हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल माँ बेटी किचन स्टार। आज मैं आपके लिए एक क्रीम की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसको हम लोग बिना मशीन के और बिना व्हिपिंग क्रीम के बनाएंगे। बहुत ही सिंपल और इजी रेसिपी है। तो आज हम इसे मैदे से बनाने वाले हैं। तो यहाँ पर मैंने पहले एक पैन ले लिया है और उसमें हम डालेंगे दूध। तो यहाँ पर हम आधा कप दूध डाल रहे हैं और इसी कप के नाप से हम इसमें चीनी भी ऐड करने वाले हैं। तो यानी जितना हमने दूध लिया है, हमें उतनी ही चीनी भी डालनी है। तो यहाँ पर मैंने आधा कप चीनी ली है, इसे भी डाल दिया है। अब हम इसमें डालेंगे मैदा। तो जिस चम्मच से हम लोग खाना खाते हैं, उसी चम्मच से हम 2 चम्मच मैदा डालेंगे। अब इन सारी चीज़ों को हमें अच्छी तरह से मिक्स करना है पहले, ताकि ये जो मैदा है उसके जो लम्स हैं वो सब ख़त्म हो जाएं। और अब मैंने इसे पैन पे रख दिया है और इसके लम्स अच्छी तरह से ख़त्म हो चुके हैं। तो अब हम इसे कुक करेंगे। तो बिल्कुल धीमी आंच पे हम इसे कुक करेंगे, जब तक कि चीनी घुल नहीं जाती है और ये थिक नहीं हो जाता है। तो जो चीनी है वो अच्छी तरह से घुल चुकी है, अब हमें बस इसे थिक करना है। इसे हम बिल्कुल भी छोड़ेंगे नहीं और लगातार हम इसे चलाते रहेंगे, नहीं तो इसमें लम्स बन जाएंगे। तो देखिए, ये बिल्कुल थिक हो गया है और हमें इसी तरह से थिक करके इसे चाहिए है। अभी जैसे ही हम इसे रखेंगे ठंडा होने के लिए, थोड़ा और थिक हो जाएगा। तो अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देते हैं और इससे ज़्यादा हम इसे कुक नहीं करेंगे इसे। और देखिए, इसमें किसी भी प्रकार की लम्स भी नहीं है। अब हम इसे फैला करके अच्छी तरह से ठंडा कर लेंगे। तो देखिए, हमने इसे लगातार चलाते हुए ठंडा किया है, ताकि इसके ऊपर जो है मैदे की पपड़ी ना जमे। और ये अच्छी तरह से ठंडा हो चुका है। तो अब हम एक बड़ा कटोरी ले लेंगे और इसमें हम इसको ट्रांसफ़र कर देंगे। तो इस मैदे को मिक्स को हम इस बाउल में ट्रांसफ़र करेंगे और जब ये पूरी तरीके से ठंडा हो जाएगा, तब हम इसे अच्छी तरह से कवर कर देंगे और इसे 10 से 15 मिनट के लिए रेफ्रिजरेट में रख देंगे, जब तक कि अच्छी तरह से चिल नहीं हो जाता है। अब मैंने यहाँ पर एक बाउल लिया है, इसमें हम बटर डालेंगे। तो यहाँ पर मैंने 85 ग्राम बटर यूज़ किया है और बटर को हमें रूम टेम्परेचर पे लेना है, ताकि वो जल्दी से मिक्स हो जाए। और आज हम इस क्रीम को चम्मच से बनाने वाले हैं, यानी कि हम इस क्रीम को बनाने में मशीन का यूज़ नहीं करेंगे और ना ही हैंड बीटर का यूज़ करेंगे। हम जो घर की हमारी चम्मच होती है, उसी चम्मच से बनाएंगे। तो सबसे पहले हमें बटर को अच्छी तरह से सॉफ्ट कर लेना है। हम इसे तब तक इस तरह से सॉफ्ट करते रहेंगे, चलाते रहेंगे, जब तक कि ये अच्छी तरह से लाइट नहीं हो जाता है। और जैसे ही ये लाइट हो जाएगा, इसका कलर भी एकदम वाइट हो जाएगा। तो देखिए, ये जो हमारा बटर है, इसका कलर एकदम वाइट सा हो गया है और बहुत ही लाइट सा ये हो भी गया है। तो जो हमने मैदा मिक्स बना करके तैयार किया था, जिसे हमने रेफ्रिजरेट में रखा था, इसे हम अब निकाल लेंगे और इस मिक्स को हम एक एक चम्मच करते हुए बटर में मिलाएंगे और धीरे धीरे से हम इसमें मिलाते जाएंगे। हमें एक बार में पूरा नहीं डालना है, धीरे धीरे करके ही हम इसे मिक्स करेंगे। और जैसे ही आप मैदे मिक्स को डालेंगे, वैसे ही जो बटर है उसका कलर और भी वाइट होता जाएगा। इस तरीके से करते करते हमें पूरा का पूरा मैदा मिक्स इसमें डालना है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ में मुझे कमेंट करके भी बताइएगा कि आपको रेसिपी कैसी लगी। और अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और देखिए, इस तरीके से हम इसमें सारा मैदा मिक्स डाल देंगे, बाकी का बचा हुआ भी, और इसे 2 से 3 मिनट के लिए और अच्छी तरह से फेंटेंगे। तो हमने इसको अच्छी तरह से फेंट लिया है और अब आप देख रहे होंगे कि ये कितना अच्छा हो गया, बिल्कुल लाइट हो गया, इसका कलर भी चेंज हो गया। आप चाहें तो इसे ऐसे ही स्टोर भी कर सकते हैं फ्रिज में। अब हम इसे क्या करेंगे कि 2 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। अगर आप इसे ज़्यादा गर्मी के समय में बना रहे हैं, तब आपको इसे बार बार फ्रिज में रखना होगा, क्योंकि बटर है तो वो मेल्ट होने लगेगा, जिस तरह से हमारी व्हिपिंग क्रीम मेल्ट होने लगती है। अब हम इसमें डाल देंगे वेनिला एसेंस। तो यहाँ पर हमने 3 से 4 बूंद वेनिला एसेंस की डाल दी है और इसे भी हम मिक्स करेंगे। तो आज हम 2 फ्लेवर की फ्रॉस्टिंग बनाने वाले हैं, एक वेनिला फ्लेवर की और एक चॉकलेट फ्लेवर की। तो जो वेनिला फ्लेवर की फ्रॉस्टिंग है, वो बन करके बिल्कुल तैयार हो गई है, और जो चॉकलेट फ्लेवर की फ्रॉस्टिंग है, उसे भी हम बनाएंगे। तो इसमें हम 2 चम्मच कोकोआ पाउडर ऐड कर देंगे धीरे धीरे,
और इसके बाद इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो जितनी चॉकलेटी आपको फ्रॉस्टिंग बनानी है आप इसमें कोको पाउडर ऐड करके इसे बना सकते हैं। और देखिए हमारी जो फ्रॉस्टिंग है चॉकलेट फ्लेवर वाली वो भी बन करके बिल्कुल तैयार हो गई है। तो इस तरीके से करते हुए हम घर पे ही बटर से और मैदे से केक की आइसिंग कर सकते हैं बिना व्हिपिंग क्रीम के। और अब मैं आपको दिखाती हूँ कि ये जो हमने बनाई है क्रीम वो कितनी अच्छी निकल भी रही है और इसका कितना अच्छा टेक्सचर भी आ रहा है। तो अब जब भी आप केक या कपकेक बनाएं तो अब इस तरीके से फ्रॉस्टिंग जरूर केक की आइसिंग ज़रूर करें। और इस तरह से मैंने एक पाइपिंग बैग ले लिया है, इसमें हम डाल देंगे वनीला फ्लेवर की आइसक्रीम, वनीला फ्लेवर की सॉरी आइसिंग फ्रॉस्टिंग जो हमने बनाई है। और इसे फिर हम इस तरह से पुश करेंगे। और देखिए फ्रेंड्स ये कितनी स्मूथली निकल रही है, बिल्कुल क्रीम की जैसे जैसे व्हिपिंग क्रीम होती है बिल्कुल वैसे ही लग रही है। और इसका टेक्सचर भी बहुत ही अच्छा आता है खाने में। इसी तरह से मैं अब आपको चॉकलेट वाली भी निकाल के दिखाती हूँ। तो उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स कि आपको मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। मिलते हैं हम एक और नई रेसिपी के साथ।